हेलो एवरी वन होप यू ऑल अ गुड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन फेमस पेंटिंग दैट इज रामा वेंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन ओके सो लेट्स वी स्टार्ट योर पेंटिंग नेम इज़ रामा वेंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन आर्टिस्ट हैं इसके राजा रवि वर्मा टाइम पीरियड है इसका मिड नाइन्टीन सेंचुरी ए डी मीडियम है इसका औलाना कैनवस कर्टेसी है ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली कलेक्शन है इसकी चित्रशाला मैसूर ओके सब्जेक्ट मैटर ये पेंटिंग वाल्मीकि की रामायण के एक एपिसोड पर आधारित है सीता को वापस लाने के लिए अपनी सेना को तैयार करने के बाद राम को समुंदर के द्वारा पकड़ लिया गया था और उसकी सेना को लंका से अलग कर दिया गया एंग्री ओशन से पुल बनाने का जो अटैम्प्ट था वो फेल हो गया तब राम ने वरुण को धमकी दी कि अगर उन्होंने पुल का निर्माण नहीं होने दिया तो वे उसे नष्ट कर देंगे तभी उनकी सेना लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार कर सकी डिस्क्रिप्शन यह पेंटिंग रामा क्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन में लंका के लिए एक पुल बनाने के लिए सहयोग न करने पर समुद्र के देवता पर राम के गुस्से यानी एंगर को दर्शाता है अनबिटेबल राम जो कभी ना हारने वाले राम थे समुन्द्र देवता पर गुस्सा होकर अपना धनुष उठाते हुए और धनुष की जो स्ट्रिंग है उस पर एरो लगाने के लिए तैयार होते हैं तब वरुण अपने कंपेनियन मीन्स जो उनके साथी है उसके साथ राम को शांत करने के लिए दौड़ पड़े इस पेंटिंग में राम को स्ट्रांगली मीन्स कठोरता से खड़े हुए दिखाया गया है इस पेंटिंग में उस राम का फेस प्रोफाइल में दिखाया गया है और जो आइज हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं काले बादलों में बिजली का जो बोल्ट है वो राम के गुस्से के प्रभाव को बढ़ाता है इस पेंटिंग में एक ही समय में बैलेंस और डायनामिक मीन्स संतुलन और गतिशीलता को दिखाया गया है लहरों में टर्बुलेंस मीन्स अशांति होती है जहां समुंदर के एनर्जाइज्ड फिगर पानी से उठते हुए दिखाए गए हैं तट पर चट्टानों से टकराने वाली लहरें जहां राम खड़े हुए हैं वहां पर थिक फोम मतलब घनी झाग को दिखाया गया है फिगर के जो पोस्चर हैं और फ्लटरिंग गारमेंट स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर को दर्शाते हैं इस डिसऑर्डर से कॉम्पोजिशन के बीच में झाक आ जाती है जहाँ राम खड़े हैं वहाँ ठोस चट्टानों की बनावट और समुंदर के बीच के अंतर को ठीक से पेंट किया गया है कलर स्कीम राजा रवि वर्मा उन पायनरिंग आर्टिस्ट में से एक हैं जिन्होंने यूरोपियन इन्फ्लुएंस के अंडर आर्ट के मीडियम के रूप में ऑयल कलर का उपयोग करना शुरू किया इस पेंटिंग में जो रंग है कलर हैं वो ज़्यादातर ब्राउन येलो और ब्राउन टोन के साथ वार्म और जेंटल हैं राम के रॉय क्लॉथ लाइटनिंग और जो झागदार समुद्र बनाया हुआ है उसमें वाइट कलर का यूज बहुत अच्छे से किया गया है समुन्द्र में तीन फिगर को बनाया गया है जो कि कलरफुल है इस पूरी पेंटिंग में सिर्फ टेक्सचर का खेल है जिससे डिजायर्ड अफेक्ट मिलता है ओके okay. ये हमारी फेमस पेंटिंग दैट इज़ रामा बैंड क्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेंटिंग कवर करेंगे टिल दैन गुड बाय एवरी सी यू नेक्स्ट वीडियो